बोलो क्या हुआ? दरवाजे पर कोई बेल रही होगी। मैंने तो आपको दरवाजे के बारे में कुछ बताया ही नहीं। श्वेता बोल रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे फिर से वही सपना आया। ओह आई सी, ये वही सपना है ना जो तुम्हें बार बार आते हैं? सपने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने डर के मारे अपने भाई को कॉल किया, उनसे पूछा तो वो बोलते कि दरवाजे के बाहर कोई बिल्ली नहीं होगी, क्योंकि मैंने दरवाजे का जिक्र तक नहीं किया था और एकदम से उनकी आवाज तक नहीं आई। मैंने उठकर दरवाजे की तरफ देखा और दरवाजे को खोल के देखा, वहीं पर सपना फिर रुक गया। देखो मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी जाओ सो जाओ, ओके? डोंट थिंक मच। अगर ये सपना फिर से आए तो ट्राई करना इसे एंड तक देखने का, ठीक है? हाँ, तभी मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है? तो अगर फिर से ये सपना है तो तुम इसके तह तक था घबराना मत। बिल्कुल भी मत घबराना, जस्ट चिलिंग, याद रखना कुछ नहीं होगा। ऑल राइट, ठीक है? या नाउ गो ऑफ टू स्लीप, रिलैक्स। ठीक है, मैं वापस ट्राई करूंगी। ओके, गुड नाइट। You can do this.
क्या श्वेता? मैंने वो सपना वापस देखा और इस बार आखिरी तक। क्या देखा इस बार? दरवाजे के खोलने के बाद मुझे सामने मैं खुद दिखी चाकू के साथ। मैं वहां खुद खड़ी थी। मैं खुद को देखकर एकदम शॉक हो गई। मैं उससे पहले कुछ कर पाती तो सामने वाली श्वेता ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं जमीन पर गिर गई। तुम जिस सपने की बात कर रही हो वो असल में तुम्हारे भाई का है। मतलब ये है कि तुमने अपने भाई के नजरिए से वो सपना देखा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब क्या हुआ? ये जगह मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। तो इसमें नई बात क्या है? नहीं मतलब अगर एक खूनी ये घटना अपने डॉक्टर को बोलेगा तो उसका तो जुर्म पकड़ा जाएगा ना। अरे बेवकूफ, तुझे लगता है कि वो लड़की को कुछ याद भी होगा? और अगर उसे चल कुछ याद भी होता तो क्या उसे अपने सपने का मतलब पता नहीं चल जाता? वो क्या है ना, मेरी स्टोरी में थ्रिलर है, ड्रामा है। गोविंद मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, मेरा कॉल आ रहा है। क्या यार, उठा ले देवा, उठा ले। अरे मेरे को नहीं दे, कॉल उठा ले। हेलो, व्हाट्स अप ब्रो? नथिंग अप मैन, एवरीथिंग इज डाउन बिकॉज़ इट्स लॉकडाउन। और बता क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, गोविंद के साथ एक स्टोरी डिस्कस कर रहा था। गोविंद, कौन गोविंद? गुरु गोविंद सिंह जी। अरे बेवकूफ, मेरा दोस्त गोविंद, और कौन? लेकिन वो तो मेरा मतलब, सुना मेरा एक इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है, ठीक है? मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। हाँ हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हाँ मैं भूपेंद्र बोल रहा हूँ, हर्षित का दोस्त। हाँ हाँ भूपेंद्र बोलो। जी सर, कुछ देर पहले मेरे हर्षित के साथ बात हो रहा था और वो बोल रहा था कि वो गोविंद के साथ बात कर रहा है। हर्षित क्या दवाई ठीक से नहीं ले रहा है? सर आपने बोला था कि वो ठीक हो जाएगा आपके मेडिसिन लेके। देखिए भूपेंद्र जी, मैंने कहा था कि कम हो जाएगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी ये सब बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं कर पा रहा हूँ तो किसी आप दूसरे डॉक्टर नहीं, नहीं 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 सर सॉरी, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था सर। हर्षित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सर, और मैं नहीं चाहता कि वो इस सपने की दुनिया में रहे। ठीक है, आप एक काम करना, आप उसे मेरे पास लेके आइए, ठीक है? मैं उसे बात करके देखता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। और एक बात, हेलो भूपेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ, आप हर्षित को बता तो नहीं रहे, आप किसी डॉक्टर से सलाह ले रहे? मतलब उसे ये तो पता नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूँ? अभी तक तो नहीं बताया सर, क्यों?
नहीं, वो क्या है ना, अगर उसे पता चल गया कि उसके पीछे एक डॉक्टर पड़ा है तो वो कॉन्शियस हो जाएगा, फिर उसके सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, मैं आपके बारे में उसको कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू सर। शाम वो हर्षित, हर्षित का एक फाइल है, देखो तो। हाँ, वो थोड़ा निकल के रखो तो, मेरे डेस्क पर रख दो, मैं आ रहा हूँ।